9 मई को अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई। मुलव्वस अफराद मुल्क के दोस्त नहीं दुश्मन हैं। वज़ीर आला सिंध का कराची में यौम तकरीम में शहदा के हवाले से मुनक़िद तकरीब से खिताब। सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि शहदा को सलाम पेश करते हैं, शहदा की वजह से ही हमारा मुल्क कायम और दायम है। आज हम अपने शहदा को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा है कि इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती उसकी जान होती है। हमारे जवान सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि जान का खतरा है, ये कुर्बानी का जज्बा है। फोर्सेस ने कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं। बोले 9 मई को जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। यौम तकरीम शहदा के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कराची के इलाके शाह लतीफ कायदाबाद में घर से माँ बेटे की लाश मिलने का मामला, पुलिस को अब तक कोई बड़ी कामयाबी ना मिल सकी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने 4 अफराद सबको हिरासत में ले लिया। ज़ेरे हिरासत अफराद में से एक मक्तूलीन का रिश्तेदार बताया जाता है। कराची में चोरी डकैती की वारदातों में कमी ना आ सकी। डिफेंस फेस पार्क में बड़ी डकैती की एक और वारदात में मुलजिमान बंगले से 56 लाख रुपए लूटकर बासानी फरार हो गए। एमक्यूएम रहनुमा मोहम्मद हुसैन का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों के फोर मंसूबे का इफ्तिताह किया गया, पीपल्स पार्टी वाले इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं होने देंगे। बोले कराची सर्कुलर रेलवे BC पैक का मंसूबा है लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। उनका कहना था कि हमने हमेशा आवाम के मसाइल पर आवाज उठाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बल्दियाती निज़ाम को यरगमाल बनाया जा रहा है, हाफिज नईम का इल्ज़ाम। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात पर कब्जे के लिए ओचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मेयर कराची जमात इस्लामी का होगा, ये मुंह की खाएंगे, हाफिज नईम का दावा। और कराची में साइट एरिया पॉलीटेक्निकल कॉलेज के करीब प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग का हाल मुकम्मल तौर पर बुझाई ना जा सकी। आग के बायस फैक्ट्री का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया। फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया।